नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। आज हिंदी दिवस है और इस मौके पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। लेकिन एक रिपोर्ट पेश करने जा रही हूं। उस रिपोर्ट के अनुसार हमारे बिहार में हिंदी शिक्षकों की भारी कमी है। नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है और इस नियुक्ति प्रक्रिया में यह पाया गया कि 50% से ज़्यादा सीटें खाली रह गई। वजह क्या है? वजह यह है कि हिंदी शिक्षक हैं ही नहीं। कई विद्यालयों में तो अंग्रेजी शिक्षक ही हिंदी की पढ़ाई बच्चों को दिला रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज के इस आधुनिक जीवन में सबको अंग्रेजी बोलना है, सबको अंग्रेजी सीखना है, लेकिन किसी को अपनी मातृभाषा की पढ़ी नहीं है। सबको अंग्रेजी में ही आगे बढ़ना है क्योंकि अंग्रेजी हमारे एटीट्यूड को आगे बढ़ाता है। एक तरह से कहें तो अंग्रेजी हमें आगे बढ़ाता है, ऐसे लोगों के मन में बैठ चुका है। और यही कारण है कि आजकल किसी को ठीक से हिंदी बोलना तक नहीं आता। बिहार जैसे राज्य में जहाँ पर मगही, भोजपुरी, हिंदी प्रमुख भाषाएं हुआ करती है, और अगर ऐसे जगहों पर हिंदी शिक्षक ही नहीं है तो यह ताज्जुब की बात है, चौंका देने वाली बात है। जो रिपोर्ट बताती है उसके अनुसार आपको हम बताएं तो पटना जिले के लगभग 200 मध्य एवं हाई स्कूल विद्यालयों में हिंदी शिक्षक की मौजूदगी नहीं है। जो भी हिंदी शिक्षक हैं वो काफी पुराने हिंदी शिक्षक हैं और आजकल कोई भी हिंदी शिक्षक मिल ही नहीं पा रहे हैं। 3600 स्कूल पटना जिले में है, 1600 मध्य विद्यालय है और 1600 मध्य विद्यालय के लगभग 200 मध्य विद्यालयों में हिंदी शिक्षकों की भारी कमी है। जो शिक्षक नियोजन प्रक्रिया चल रही है उसमें भी 50% से आधा ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हिंदी शिक्षकों की खाली पड़ी है। तो एक बात यह भी है कि अगर आप हिंदी जानते हैं और आपको लगता है कि आपको नियोजन प्रक्रिया में शामिल होने चाहिए तो अगली बार से हिंदी शिक्षक के लिए ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा सीटें खाली रह जाती है। एक बात गौर करने वाली है कि आज हम हिंदी दिवस मना तो रहे हैं लेकिन कितनों को सच में हिंदी बोलना आता है, कितनों को सच में हिंदी लिखना आता है, अपनी मातृभाषा की इज्जत कितने लोग करते हैं, कितने लोग अभी भी अंग्रेजों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं क्योंकि अंग्रेजी में सबको लगता है कि अगर हमें अंग्रेजी आती है तो हम ज़्यादा अच्छे हैं, लोगों के सामने ज़्यादा सम्मान मिलेगा। लेकिन ये महज एक वहम है। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसका कोई भी स्थान नहीं ले सकता, ना अंग्रेजी भाषा ना कोई और भाषा। तो फिलहाल हिंदी शिक्षकों की भारी कमी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप में से जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं आप मेरी बातों से कितना तवज्जो रखते हैं ज़रूर बताइएगा और क्या कुछ कहना है आपका इस विषय में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।